स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के अंतर्गत सल्फर के महत्वपूर्ण अपरूप और सल्फर के ऑक्सी अम्ल का डिटेल्स चर्चा करेंगे। इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही कंपटीशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे गौर से पढ़िएगा ताकि सभी प्रश्नों का तर्कसंगत आप उत्तर नियत समय में दे सकें। देखिए, आपको जीवन में सफल होना है तो मार्क्स के साथ ही अच्छे अंक के साथ ही ज्ञान की भी नितांत आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी ज्ञानी हैं, काफी ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके पास मार्क्स की कमी है तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र मिलते हैं जिनके मार्क्स तो काफी अच्छे हैं लेकिन ज्ञान की कमी पाई जाती है, तो वैसे भी छात्र अपने जीवन में बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि ज्ञान भी इकट्ठा करें, साथ ही आने वाले एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। क्यों नहीं, सिवान से बच्चे टॉप होंगे, गोपालगंज से बच्चे टॉप होंगे, छपरा से बच्चे टॉप होंगे, हाँ बिल्कुल टॉप होंगे। टॉप होने की कसम खा लीजिए कि मैं टॉप होकर दिखाऊंगा। आपके शिक्षक जो हैं सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को नियत समय पढ़ा के कंप्लीट कराएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे अधूरा नहीं रहे। ठीक है, या मेरा वादा है, आप भी संकल्प लीजिए कि हम एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सल्फर के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, सल्फर को ही हम लोग ब्रिमस्टोन के नाम से जानते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गंधक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, जहां मिश्रण वहां बताया गया होगा कि इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज आप समझिए, यह एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। यदि आप सुन के आए होंगे कि ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है गैसीय अवस्था में, जबकि सल्फर एसिड के फॉर्म में ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये सब समझ चुके हैं आप। आपको ये भी बात बताया जा चुका कि सल्फर मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है। ज्वालामुखी एरिया जैसे इटली में सिसली एक जगह है, अमेरिका में, इसके अलावा जापान में, ठीक है, बलूचिस्तान में यह सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। साथ ही या संयुक्त अवस्था में कंबाइन स्टेट में सल्फाइड के रूप में बताए थे, ZnS के फॉर्म में, PbS के रूप में पाया जाता है जिससे सल्फर की प्राप्ति कर लेते हैं, सल्फेट के रूप में पाया जाता है जिससे सल्फर की प्राप्ति कर लेते हैं, लहसुन में, अंडे की जर्दी में, कच्चा प्याज में सल्फर पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पदार्थ हैं, इसमें सल्फर पाया जाता है। तमाम बात आप पहले से सीख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सल्फर के जो महत्वपूर्ण अपरूप हैं, इनके कौन कौन अपरूप हैं, इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सल्फर के जितने भी अपरूप हैं उसको हम लोग दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एमोर्फस एलोट्रॉप। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है। वैसे आगे हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। वैसा ठोस जिसके कण जो होते हैं, कण का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी कंपाउंड होते हैं लगभग, ठीक है, ठोस पदार्थ आप देख रहे हैं कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ये जो पदार्थ होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, अर्थात इनके जो कण होते हैं एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में जुड़े होते हैं। और वैसे ठोस जिसके कण जो होते हैं निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन, जैसे रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सब आते हैं हमारा नॉन क्रिस्टलाइन में। इससे भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है, तो जनरली ऑप्शन देता है कांच, नहीं तो प्लास्टिक, नहीं तो आपको दे देगा रबड़। ठीक है, मोस्टली यही देते ऑप्शन में। इसके अलावा हम छोड़ दें तो बाकी जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो क्रिस्टलाइन जिम ही कहें तो समझ जाना, ओ इस ठोस के जो कण हैं, जो एटम हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में जुड़े हैं। और जब मैं कहूं कि एमोरफस तो समझ जाना, ओ इसके एटम जो हैं, इसके मॉलिक्यूल जो हैं, इसके कण जो हैं, पार्टिकल हैं, एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं जुड़े हैं,
और भी प्रॉपर्टी हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग सॉलिड स्टेट में करेंगे। तो सल्फर के जितने भी अपरूप होते हैं उसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं बेटा। एक को कहेंगे, पहला को कहेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, हिंदी में कहने क्रिस्टलीय अपरूप। अपरूप क्या है भी जानिए, जब एक तत्व तो इस पृथ्वी पर भू प्रपट्टी पर कई रूपों में पाया जाता है उसे अपरूप कहते हैं, ठीक है, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। सल्फर कई रूपों में इस पृथ्वी पर पाया जाता है तो इसको कहेंगे अपरूप है वह, और इसी घटना को अपरूपता कहेंगे। वैसे हम लोग अपरूप देखे थे कार्बन का, बहुत सारा कार्बन के विभिन्न अपरूप देखे थे, रवेदार बेरवेदार हीरा ग्रेफाइट बकमिंस्टर फ्लोरीन चारकोल ईटीसी सबसे महंगे, तो अपरूप से आप वाकिफ दसवें क्लास से ही है, ठीक है। और दूसरा होता है छोटू, होता है हमारा बी नंबर एमोर्फस। एमोर्फस एमोर्फस एलोट्रॉप्स। अब देखिए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के अंतर्गत दो मुख्य सल्फर हो आते हैं, सल्फर के दो मुख्य अपरूप हुए। एक को कहेंगे रोम्बिक या इसी को कहेंगे अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर ये अल्फा सल्फर, और दूसरा को कहते हैं बेटा मोनोक्लिनिक या इसी को कहते हैं बीटा सल्फर, बीटा सल्फर। यह जो दो दो सल्फर के अपरूप हैं यह दोनों एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसमें जो सल्फर एटम होता था आठ दिखाई दे रहे हैं एसिड के फॉर्म में, इसमें सल्फर एटम आठ है, ये आठों सल्फर एटम एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में जुड़े होंगे इसलिए इनको हम लोग क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कह रहे हैं। और ये रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर है याद रखिएगा, ये सल्फर का सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत भी एमोर्फस एलोट्रॉप्स के अंतर्गत भी तीन आते हैं, प्लास्टिक सल्फर या इसी को कहेंगे गामा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, दूसरा होगा मिल्क ऑफ सल्फर और तीसरा होगा कोलाइडल सल्फर। देखिए एनसीईआरटी में इन्हीं दोनों की चर्चा की गई है, यह इस सल्फर के तीन जो यह अपरूप होते हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर जिसको हम गामा सल्फर के नाम से जानते हैं, ये तीन बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग साइक्लोएसिक सल्फर के बारे में भी चर्चा करेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आप इसे डिटेल देखते रहेंगे। अब एक बात आप यहाँ लिख लीजिए, हम सल्फर के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए अल्फा सल्फर और ये बीटा सल्फर, ये जो दोनों सल्फर होते हैं वह S8 के रूप में पाए जाते हैं और या एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पकरेड रिंग के रूप में क्राउन शेप में ये रहता है याद रखिएगा। तो यहां मैं नोट में लिख देता हूं इस चीज को कि अल्फा सल्फर तथा बीटा सल्फर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा एस भी लिख सकते हो, अल्फा एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि एसिड के फॉर्म में पाया जाता है तो मैं ऐसे लिख दिया अल्फा सल्फर तथा बीटा सल्फर, यह दोनों एसिड का मतलब ऑक्टा एटॉमिक एसिड के रूप में पाया जाता है, अर्थात यह पक्करेड रिंग के रूप में व्यवस्थित होता है। क्लियर है? देखिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सल्फर का, यह सल्फर एटम है, यही एसिड के फॉर्म में पाया, यह सल्फर सल्फर जो होते हैं बेटा, इसके बीच का यह
बॉन्ड लेंथ जो होता है याद रखिएगा 204 पिकोमीटर का होता है, 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर का होता है। कुछ पुस्तकों में त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है 212 पिकोमीटर, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। और इसके बीच का सल्फर सल्फर के बीच का ये बॉन्ड एंगल जो होता है लगभग 107 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ये भी 204 पिकोमीटर, ये भी 204 पिकोमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं पकरेड पकरेड रिंग विथ क्राउन शेप, क्राउन शेप। तो यह सल्फर की स्ट्रक्चर हुआ कि मोनोक्लिनिक सल्फर होंगे या रोम्बिक सल्फर होंगे, वह एसिड के फॉर्म में पकरेड रिंग के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्राउन शेप में पाया जाता है। तो आप इसे नोट करें, हम रोम्बिक सल्फर पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग रोम्बिक सल्फर को समझ लेते हैं। देखिए रोम्बिक सल्फर को हम लोग बनाते कैसे हैं। रॉल सल्फर या सल्फर के पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में घोलते हैं आरटीपी पर, उसे छान लिया जाता है, एक दूसरे बीकर में इसे रख लेते हैं, ठीक है, और इसे छोड़ दिया जाता है। धीरे 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 कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और हमारा रोम्बिक सल्फर का अष्टफल्कीय, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, अष्टफल्कीय क्रिस्टल प्राप्त होता है। याद रखिए बनाने की सरल तरीका है। देखिए इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इसको याद रखिएगा। यह सल्फर का सबसे अस्थाई अपरूप है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। यह पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। यह जल में अविलीय होता है, कुछ हद तक बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में यह घुल जाता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलीय होता है, या आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। इसका एमपी 385.8 केल्विन होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है। कुछ पुस्तक लिखे होंगे कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें चालकता की गुण पाई जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट से इसे याद रखिएगा, देखिए अल्फा सल्फर जो होता है जिसको रोम्बिक सल्फर कहते हैं, वह 369 अर्थात 96 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वह स्टेबल होता है। जब ही हम अल्फा सल्फर को यदि 369 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म कर देते हैं तो वह बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। अतः यह दोनों सल्फर का रूप है, 369 केल्विन पर स्टेबल होता है, जिसे ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। कोई पूछे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर क्या क्या है, तो कहिएगा कि वह ताप जिस पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों ही स्टेबल होते हैं उसको रोम्बिक्स, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह होता है 369 केल्विन। तो यह बात याद रखिएगा, इसे नोट करें। एक और बात हम बता रहे हैं, उसके बाद हम मोनोक्लिनिक सल्फर पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर को समझें। देखिए अल्फा सल्फर जिसको रोम्बिक सल्फर कहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिश में, जिसको चाइना डिश कहते हैं, पोर्सिलिन का बना होता है, में लेकर के पिघलाया जाता है। धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं तो सुई की आकृति के लंबा लंबा निडिल की आकृति का मोनोक्लिनिक सल्फर का क्रिस्टल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो यह बनाने की विधि होगी, बहुत आसान तरीका है, इसे रोम्बिक सल्फर से हम लोग बना लेते हैं। देखिए यह लंबे निडिल लाइक प्रिज्म शेप या निडिल के तरह, सुई के तरह, प्रिज्म के आकार के सुई के तरह लंबा लंबा रूप में यह एग्जिस्ट करता है, उसी रूप में यह पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को प्रिज्मेटिक सल्फर के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछे क्यों, तो कहिए निडिल के तरह प्रिज्म के शेप में यह पाया जाता है, निडिल के रूप में या निडिल के तरह प्रिज्म के शेप में यह पाया जाता है, इसलिए इसे प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहा जाता है। यह चमक विहीन पीले रंग का होता है, डल्ली येलो कलर होगा,
दल का मतलब होता है कि भद्दा, दल का मतलब चमक भी पीले रंग का होता है, यह भी जल में अविलीय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलीय होता है, इसका एमपी 393 केल्विन और इसका स्पेसिफिक डेरिविटिव जिसको विशिष्ट घनत्व या ग्रुप कहते हैं 1.98 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। तो सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछने वाला होगा उसको बताएंगे, नोट याद रखिएगा पहले भी बताए थे। देखिएगा हम सल्फर को, या रोमिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, सल्फर को जब हम लोग उच्च ताप पर लगभग 1000 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यही सल्फर जो होता है वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है और वह सल्फर H2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्सीजन O2 के तरह ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए जो सल्फर होता है H2 जो होता है पारामैग्नेटिक होता है। तो कभी कभी पूछता है कि सल्फर किस अवस्था में पारामैग्नेटिक नेचर का होता है, तो H2 के रूप में। अब कब ये H2 के रूप में परिवर्तित होता है, जब सल्फर को उच्च तापमान लगभग 1000 केल्विन पे गर्म किया जाता है तब। इसे नोट करें, हम मोनोक्लिनिक सल्फर और रोमिक सल्फर का चर्चा कर दिए, अब हम करेंगे आपको प्लास्टिक सल्फर के बारे में, फटाफट नोट करें। देखिए तो हम लोग प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर को समझ लेंगे। देखिए मोल्टन सल्फर को या उबलते हुए सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, ठंडे जल में मिलाते हैं। ठंडे जल में जो ही मिलाते हैं या रबड़ के तरह लचकदार सॉलिड बांस का निर्माण होता है, उस रबड़ के तरह बिल्कुल लचकदार पदार्थ बनता है, इसी को हम लोग गामा सल्फर के नाम से जानते हैं। इसे छोड़ देने पर धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है और रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्लास्टिक सल्फर में जो सल्फर एटम होते हैं अनियमित जिग जैग चेन के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात सल्फर एटम ऐसे जुड़ा होगा, सल्फर एटम ऐसे, सल्फर एटम ऐसे, सल्फर एटम ऐसे, इसका कोई नियम कानून नहीं होगा, सल्फर एटम जिग जैग चेन के रूप में जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। यह न तो जल और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रोम्बिक सल्फर जो होता है और मोनोक्लिनिक होता है वह CH2 में घुलनशील होता है जबकि जल में नहीं, ये जो होता है जल और CH2 दोनों में अघुलनशील होता है, अविलीय होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, कोई पूछे क्यों, एमोर्फस नेचर के होने के कारण। इसका विशिष्ट ग्रुप होता है 1.95 ग्राम पर सीएम क्यूब। एक सल्फर का किस्म है साइक्लोS6, इसी को हम लोग एप्सिलॉन सल्फर के नाम से, एंगल्स ऑफ सल्फर के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए क्या यह सल्फर का अस्थाई रूप होता है, कोई पूछे कि सल्फर का सबसे अस्थाई रूप कौन है, कहिएगा साइक्लोS6 सल्फर होता है जिसमें सल्फर एटम S6 रिंग के रूप में पाया जाता है। इसमें सल्फर जो एटम होते हैं S6 के रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं या पाया जाता है, इसलिए इसे साइक्लोS6 भी कहा जाता है और यह चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यह चेयर फॉर्म में पाया जाता है। कोई पूछे कि कौन सा सल्फर चेयर फॉर्म में पाया जाता है, एप्सिलॉन सल्फर या साइक्लोS6 सल्फर। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए और सल्फर का यूज देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और सल्फर का यूज भी 2-3 बता रहे हैं कि सल्फर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। छोटू चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा, ध्यान दीजिएगा, चेयर फॉर्म में बना दो। देखिए यही हमारा साइक्लोS6 सल्फर है। देखिए ये जो बॉन्ड लेंथ होता है सल्फर सल्फर का, यह 205.7 पिकोमीटर का होता है और यह सल्फर के बीच का जो कोण बनता है 102.2 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा। तो यह क्या होता है, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर होता है। देखिए यूजेज आप कुछ देख लीजिए सल्फर का, यूजेज ऑफ सल्फर ध्यान दीजिएगा। पहला गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में, गन पाउडर जिसको हम लोग बारूद कहते हैं, आतिशबाजी में खासकर इस बारूद का प्रयोग करते हैं, दीपावली आ रहा है, मुहर्रम आदि में पटाखा छुड़छुड़ी छोड़ते हो तो उस बारूद को बनाने में, जो बॉर्डर ऑर्डर पर बम बारूद बनाते हैं उसका टेक्निक कुछ अलग है। गन पाउडर बारूद के निर्माण में, बारूद के
निर्माण में इसका प्रयोग होता है। मैटिक सही मिश्रण में पढ़ते हैं कि बारूद क्या होता है, ठीक है, कार्बन चारकोल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है और सल्फर के मिश्रण को ही हम लोग बारूद कहते हैं, याद रखिए। गन पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। कीटाणु कीटाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ के वल्कनाइजेशन कहते हैं वल्कनीकरण को, वल्कनीकरण रबड़ के वल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग होता है। देखिए रबड़ का वल्कनीकरण क्या है, पूछा भी जाता है, वैसे पॉलीमर चैप्टर को तो इस बार सटा दिया है। प्राकृतिक रबड़ जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह मुलायम होता है, ठीक है, यह कम लचकदार होता है, कम दृढ़ और मजबूत होता है। यदि इसमें 3-5% सल्फर को मिलाकर गर्म कर दिया जाए तो यही सल्फर जो होता है ज्यादा लचकदार, ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनाइजेशन कहा जाता है। इसकी खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था। तो कोई पूछे कि रबड़ का वल्कनीकरण कैसे करते हैं, तो नेचुरल रबड़ जो होता है, यह किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का, आप आइसोप्रीन का फॉर्मूला जानते हैं, आइसोप्रीन का बहुलक होता है नेचुरल रबड़ में हम लोग क्या कर दें, सल्फर को 3-5% सल्फर को मिला के हम लोग गर्म कर दें तो क्या बनेगा, वल्कनीकृत रबड़ बनेगा, वल्कनाइज्ड रबड़ बनता है। और रबड़ जब वल्कनाइज्ड रबड़ बन जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो कई बार पूछा गया है कि रबड़ के वल्कनीकरण में कितना प्रतिशत सल्फर मिलाते हैं, 3-5% सल्फर। एक नोट में और बात आप याद रखिएगा कि रबड़ में 20-30% सल्फर मिलाकर गर्म करने पर इबोनाइट बनता है। इबोनाइट को ही देहात में लोग कचकड़ा कहते हैं, कचकड़ा बनता है। देखिए कचकड़ा का बाला होता है, कचकड़ा का बहुत सारा चीज बनता है। तो रबड़ में यदि 20-30% हम सल्फर को मिलाकर गर्म कर दें तो इबोनाइट में परिवर्तित हो जाता है। और रबड़ में यदि 3-5% हम सल्फर मिला के गर्म करें तो जो रबड़ बनेगा उसी को कहेंगे वल्कनीकृत रबड़, अंग्रेजी में वल्कनाइज रबड़ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। वैसे समय बचेगा तो हम लोग पॉलीमर चैप्टर को देखेंगे, वहां डिटेल भी आपको बताएंगे। एक इसका एक और यूज देख लीजिए, यूज यहां लिख देते हैं SO2, SO3, H2SO4, H2SO4 आदि महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग औषधि बनाने में, वाइंटमेंट, चमड़ा से संबंधित बीमारी जो हो गई है, चमड़ा के बीमारी के इलाज में, दवा बनाने में, वाइंटमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग हम लोग सल्फर का करते हैं। तो कीटाणु नाशक के रूप में भी करते हैं, दवा औषधि बनाने में करते हैं, बारूद बनाने में करते हैं, रबड़ के वल्कनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सल्फर का बहुत सारा प्रयोग, महत्वपूर्ण यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, H2SO4 आदि के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे नोट करें, हम सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट करें। तो आइए हम लोग सल्फर के ऑक्सी एसिड को देखते चले। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत H2SO3 को देखें, इसी को हम लोग सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, या इसका केमिकल नेम है। इसका दो मुख्य बात याद रखिएगा, यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जितने भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल होते हैं उसमें याद रखिएगा, वे सभी जो होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं, लेकिन H2SO3 है जो रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। यह फ्री स्टेट में नहीं पाएगा, डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इसको ऐसे बना के रखना संभव नहीं है लैब में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और जितने भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल है वे डाई बेसिक एसिड होते हैं, ठीक है। यह जल में वियोजित होकर दो H+ आयन देंगे या विस्थापित होकर दो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, इसलिए डाई बेसिक या ये डाई प्रोटिक एसिड होता है, डाई प्रोटिक एसिड होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भास्मिकता बताओ, तो जनरली जितने हाइड्रोजन एटम दिखाई देते हैं वो उसकी भास्मिकता कहलाती है। आप पढ़ के आए हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिएगा तो sp3 आएगा H2SO3 में, तो इसकी संरचना जो है हम लोग टेट्राहेड्रल का फॉर्म में बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही सल्फर एटम है OH, OH डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर ऐसे लो, एक लोन पेयर होने के कारण इसकी शेप बाईपिरामिडल हो सकता है, तो आप इसको H2SO3 के स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। तो फटाफट इसे नोट करते चलें। दूसरा हम बता रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, आप इसको सीधा भी बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज ऐसे नहीं। आपको लगता है कि सर हम ऐसे बनाएंगे एच ओ, ऐसे बना सकते हैं डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके ऊपर ऐसे आप लोन पेयर बना सकते हो, ठीक है, इस पर भी आप ऐसे लोन पेयर दे सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई इतना बनाने की जरूरत नहीं, इस लोन पेयर को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, H2SO3 बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा को कहते हैं H2SO4, इसी को हम लोग उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर इसी को हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। यह ग्रीन विट्रोल के शुष्क आसमन करने पे गर्म करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, इसलिए इसको वायल ऑफ विट्रोल, वायल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक लिखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड डी हाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जल अवशोषक पदार्थ या पानी को सोखने का कार्य करता है। ऑर्गेनिक रिजेक्शन हम लोग देखेंगे वहां, इसको एग्जांपल लेके क्लियर कर देते हैं। यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य करता है, H2SO4 जल को सोखने का काम करता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे निकालो, तो 4^8 ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, 4^8 माइनस 8 में से 2 गया माइनस 6, तो सल्फर का प्लस 6, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, ऐसे बना सकते एच ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखिए कुछ आप देखिए, मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो बताए थे कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। देखो तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ ओ एच हो सकता है, ठीक है। कोई पूछे कि बताओ इसकी भास्मिकता कितने होगा, कितना एच ओ से जुड़ा है, तो यह क्या होंगे, यह जल में वियोजित होकर दो एच प्लस देंगे, तो आप कह सकते हैं कि यह डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, या डाई प्रोटिक एसिड है, डाई प्रोटिक एसिड है, डाई प्रोटिक एसिड है। देखिए जल अवशोषक पदार्थ का हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, बार बार पूछा गया है कि क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में हम लोग गर्म कर देते हैं, वार्म करेंगे। जब भी कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में फॉर्मिक एसिड को हम लोग वार्म करेंगे,
गर्म करेंगे तो ये तुरंत क्या करेगा, ये जल को सोख लेगा। देखो जल को निकाल दो, देखो जल को H2O को निकाल देते हैं तो क्या बच गया, H2O निकल गया और क्या बच गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्राप्त होता है। कोई पूछे ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड हम ले लें, ऑक्सैलिक एसिड है ले रहे, ये कौन एसिड है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार इसको ले लें ऑक्सैलिक एसिड को ले लें, ऑक्सैलिक एसिड को कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में वार्म करते हैं हम, केवल कॉन्क H2SO4 या जल अवशोषक पदार्थ तुरंत पानी को सोख लेगा। देखो पानी इसमें से निकालना है, घेर दो H2O को, घेर दिए H2O को, देखो क्या बचा, तो CO2 बचा, CO बचा, तो CO2 बचा, CO बचा, अब प्लस हमारा क्या बचा, H2O बना। तो देख रहे हैं कि यहाँ जल H2SO4 जल अवशोषक पदार्थ का कार्य कर रहा है। एक नोट में बात याद रखिएगा, जी में कई बार पूछेगा यही फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यदि इसको विदाउट H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट करें, गर्म करें, तो आपको जब ही गर्म करेंगे ध्यान दीजिएगा तो इससे CO2 बाहर निकल जाता है, ऐसे डिकम्पोज होता है, CO2 और हाइड्रोजन गैस देता है। और कॉन्क H2SO4 में इसका डिहाइड्रेशन करें हम तो जल बाहर निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये कई बार पूछा गया है कि क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को गर्म किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल को गर्म करेंगे तो CO2H2 देगा, और क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, या कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होकर क्या देगा, H2O देगा प्लस CO देगा। चूंकि यह जल अवशोषक पदार्थ है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे पानी को निकाल लेगा। तो याद रखिएगा यह रिएक्शन कई बार पूछा गया है, यह रिएक्शन कई बार पूछा गया है कि कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में H2O प्लस CO और ऐसे हीट करेंगे तो CO2 प्लस H2 देगा। फटाफट नोट करें, इस पर चाहे तो आप लोन पेयर भी ऐसे बना सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये सब लोन पेयर बनाने की जरूरत, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। आप ऐसे भी इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, s डबल बॉन्ड o, यहाँ दे सकते हो OH, यहाँ दे सकते हो OH, यहाँ दे सकते हो डबल बॉन्ड O, आप ऐसे भी बना सकते हो टेट्राहेड्रल, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं। फटाफट नोट करो, ये याद रखिएगा। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ H2SO4, फंक्शन ऑफ P2O5, जल अवशोषक पदार्थ कैसे जल को एब्जॉर्ब करते हैं, नोट करें। तीसरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, H2S2O7 या इसी को हम लोग लिखते हैं H2SO4 में जब SO3 मिलता है तो यह H2S2O7 बनता है। देखो H2S2O7 इसी को हम लोग ओलियम के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में भी हम लोग क्या कहेंगे, ओलियम। कई बार पूछा गया ओलियम का सूत्र है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, धूमिल सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग कहेंगे डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को छोटू हम लोग कहते हैं पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। यानी पाइरो कब लगाते हैं ये सब अब आगे क्लियर करेंगे, हम घबराने की जरूरत नहीं कि पाइरो कब, जब हम सल्फर के फास्फोरस के ऑक्सीजन जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि पाइरो कब लगाते हैं, अर्थो कब लगाते हैं, मेटा कब लगाते हैं, घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा, यह भी डाई बेसिक एसिड होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। डाई बेसिक है, दो हाइड्रोजन डाई बेसिक एसिड। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो 7 × 14, 14 में से 2 गया 12, तो 1 सल्फर का प्लस 6 आसानी से निकाल लीजिएगा। मार्शल एसिड और कैरोज एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, H2SO7 ध्यान दीजिएगा, H2SO7 हमारा H2SO7 1, 2, 3, 4, 5, 6 H2SO7 हो रहा है ना छोटू, यहां ध्यान दीजिए, सल्फर एक डबल बॉन्ड ओ OH,
डबल बॉन्ड ओ, देखो हमारा हाइड्रोजन दो हुआ, सल्फर दो हुआ, ऑक्सीजन हमारा एक दो तीन चार पांच छह ही हो रहा है नहीं, और यहां एक बना दो छह आए सात, ठीक है। फटाफट नोट करो, स्ट्रक्चर बनाते समय ऑक्सीजन एटम को हाइड्रोजन एटम को चेक कर लेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन संतुष्ट है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह, दो लोन पेयर रहा हुआ, दो दो चार दो छह, सब चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी स्ट्रक्चर में दिक्कत तो नहीं है। बात आप समझ चुके होंगे, एक और बताने जा रहे हैं, फटाफट इसका स्क्रीन शॉट लो या वीडियो को पॉज करके नोट करो, ध्यान दीजिएगा। H2S2O चौथा है, H2S2O बहुत ही फेमस है, इसी को कहते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग कहते हैं मार्शल्स एसिड, इसको मार्शल्स एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी डाई बेसिक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है छोटू, परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, कुछ नहीं करना है, केवल परऑक्साइड लिंकेज को बना देना। देखिए अब इसका ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालेंगे तो आएगा आठ दूनी के सोलह, माइनस सोलह में से दो गया माइनस चौदह, तो एक सल्फर का प्लस सात, जो कि गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं त्रुटि है। तब देखो इस दो ऑक्सीजन का देखो तो कितना आएगा, दो दो चार दो छह, माइनस छह छह, दो आठ दो दस, दो बारह, माइनस बारह माइनस बारह, एक माइनस तेरह, एक माइनस चौदह, माइनस चौदह में से दो निकल गया माइनस बारह, तो इसलिए एक सल्फर का कितना आएगा प्लस सिक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए आपको, कई बार बताया जब पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि मार्शल्स एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बहुत लड़का निकाल देगा प्लस सात, क्लियर है। फटाफट इसे भी नोट करो, कैरोज एसिड बता रहे हैं, या इसी को कहते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, उसको कहते हैं हम लोग H2SO5, H2SO5 पांचवा नोट कर लो, H2SO5 इसको कहते हैं पर ऑक्सो, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यू मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं कैरोज एसिड, क्या कहते हैं छोटू, कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिएगा डाई बेसिक एसिड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। देखिए इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, ऐसे निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो पांच दूनी के दस में से दो गया, दस में से दो गया आठ, तो इसका प्लस आठ नहीं होगा, इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। परऑक्साइड लिंकेज H2SO5 O तीन दो पांच, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस दो माइनस दो, माइनस चार माइनस छह, माइनस छह हो गया, इसका होता है माइनस एक, तो माइनस छह या एक माइनस सात, एक माइनस आठ, माइनस आठ में से दो हाइड्रोजन का निकल गया माइनस छह, तो सल्फर को बराबर के इधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस सिक्स। कैसे निकाल रहे हैं इसको भी देख लो, टू हाइड्रोजन प्लस हमारा एक सल्फर प्लस हमारा ऑक्सीजन है दो तीन ऑक्सीजन, अब प्लस दो ऑक्सीजन हम लिख देते हैं पर ऑक्साइड, निकालना तो आता ही है पर ऑक्साइड इज इक्वल टू जीरो, जिसका निकालना है उसका छोड़ दो, हाइड्रोजन का यहाँ प्लस दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तीन दूनी के, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है माइनस छ, प्लस पर ऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का माइनस एक होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस दो इज इक्वल टू जीरो, माइनस आठ में से दो गया S माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसलिए S इज इक्वल टू प्लस सिक्स, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आ गया। आप निकाल भी सकते हो, नोट करो, अंतिम देख लीजिए छठवां, देखिए इसको कहते हैं H2S2O3, इसको कहते हैं छोटू थायो
सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए पहला बात, ये भी डाइबेसिक एसिड होता है बट यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। डाई बेसिक एसिड होता है, नॉट स्टेबल बट इट साल्ट इज स्टेबल, याद रखिए। इसके लवण स्टेबल होते हैं, नॉट स्टेबल बट इट्स साल्ट। इट्स साल्ट क्या, सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3 इसी को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इज स्टेबल। और हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है, Na2S2O3 × 5H2O इसी को हाइपो कहते हैं, ठीक है। यह स्टेबल नहीं होता है परंतु इसके जो लवण होते हैं सोडियम सल्फेट ये स्टेबल होते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, H2SO3 डबल बॉन्ड S कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो, OH कर दो। यहां ध्यान देना, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फर दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन। यह हमारा सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, याद रखिएगा। इसमें H2SO4 जो होते हैं, और यह हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यह स्टेबल नहीं होता है, इसके साल्ट स्टेबल होते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रमुख चीज याद रखिएगा, ये सब डाई बेसिक एसिड होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड होते हैं, ठीक है। H2SO3 रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, बाकी सब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। नोट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका उत्तर आप दीजिएगा। इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा कि ओलियम का सूत्र है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ओलियम का सूत्र है चुन लेना है। मार्शल्स एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है क्या होगा। H2SO5 जिसको पायरोज एसिड कहते हैं हम लोग, में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चुन लेना है। फॉर्मिक अम्ल है, कोई पूछे कि कौन एसिड है, FOR MIC फॉर्मिक एसिड है, लिख देते हैं। इसको हीट करने पे कौन सा प्रोडक्ट देता है, चार ऑप्शन दिया गया है। फॉर्मिक एसिड को पंप H2SO4 की उपस्थिति में यदि इसको डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, आपको चुनना है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि सल्फर का कौन सा ग्रुप सबसे स्टेबल होगा, रोमिक सल्फर देगा, मोनोक्लिनिक दे सकता है, प्लास्टिक दे सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे स्टेबल सल्फर कौन होता है, याद रखिएगा रोमिक सल्फर। और सबसे अनस्टेबल सल्फर का फॉर्म होता है साइक्लोएसिक्स सल्फर। पूछ सकता है कि कौन सा सल्फर चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपका जवाब होगा साइक्लोएसिक्स सल्फर है, एप्सिलॉन सल्फर चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पूछ सकता है कि कौन ऐसा सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फाइड और जल दोनों में अघुलनशील होता है, इसी को कहते हैं गामा सल्फर, जिसको प्लास्टिक सल्फर के हम लोग नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बात आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग H2SO4 के उत्पादन, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आदि का चर्चा करेंगे। इसको CBSE बोर्ड के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है इस साल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को शुरू करेंगे। धन्यवाद।